बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन एंड वेज के रोल, बहुत मज़ेदार इफ्तारी आइटम हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ मैंने बॉयल्ड चिकन ली है 250 ग्राम, तकरीबन एक पाव। ये है हमारे पास चॉप्ड हुई अनियन और चॉप्ड हुई शिमला मिर्च और हरी प्याज। यहाँ हमने दो आलुओं को बॉयल करके मैश कर लिया है। स्पाइसेस चाहिए इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्ची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं एक कप। यह है सोया सॉस, इसमें शामिल होगा 1 टी स्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा 2 टी स्पून हमें मैदे की ज़रूरत होगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के सबसे पहले चॉप्ड हुई प्याज डाली, फिर उसमें कैप्सिकम और हरी प्याज जो थी हमारी वो हमने इसके अंदर शामिल करी। अच्छे से इसको अच्छे से सौते करेंगे, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अच्छे से सौते करने के बाद हमने इसके अंदर चिकन का रेशा करके शामिल कर देना है और तमाम जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और अच्छे से इसको कुक करना है। कुक करने के बाद बीच सेंटर में हमने 2 टीस्पून जो हमने मैदा लिया था वो शामिल करना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस 1 टीस्पून और इसको मिक्स करके ये हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गई है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं रोल। सबसे पहले हमने चिकन और वेज की जो फिलिंग बनाई थी वो ली, उसमें हमने मैश्ड हुए हुए पोटैटोज़ शामिल करे, अच्छे से मिक्स किया। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप जो ब्रेड होती है आम वो ब्रेड जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके साइड्स के कॉर्नर्स को कट करके और उसको हल्का सा पानी में डिप करके इसके अंदर शामिल कर दें। ये हमारे जो है मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको एक लिक्विड सा पेस्ट बना लिया है। अब हमने इसको रोल की शक्ल देनी है और सबसे पहले इसको मैदे और पानी वाले मिक्सचर में डिप करके इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अगर आपको डबल कोटिंग करनी है तो डबल कोट करके इसको दोबारा से मैदे में डिप करके और दोबारा से ब्रेड क्रम्स में हम डिप कर लगा सकते हैं, हमारी डबल कोट हो जाएगी। फिर हमने इसको फ्राइंग पैन में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप इसकी शक्ल, बहुत मज़ेदार सी शक्ल है। तो ये इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएँ कि रेसिपी आपको पसंद आई। तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।